भ्रष्टाचार, चारों ओर समाया है भ्रष्टाचार। किदा कह सकते हो कि भ्रष्टाचार चारों पासे समाया है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओ भाई केड़ी गल दा? इस बात का कि भ्रष्टाचार ने यमलोक में बैठे यमराज को भी नचा दिया है। ओ अच्छा, नारायण नारायण, आजकल के लोगों ने तो हमें भी मूर्ख बनाया है महाराज। मूर्ख बनाया है तुम्हें? मूर्ख बनाया है वो कैसे? वही तो बता रहा हूँ महाराज, आपके कहने पर जब मैं भोला राम का जीव ढूंढने धरती पर आया था। अरे हाँ, कुछ पता लगा? जब मैं भोला राम का जीव ढूंढने सरकारी दफ्तर पहुंचा तो वहां पर एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर जाने कितनी मंजिल, चढ़ता ही गया। आखिरकार जब सरकारी बाबू से भोला राम के जीव के बारे में पूछा तो उनको मेरी वीणा इतनी भाग गई कि मुझसे मेरी वीणा रिश्वत में ही रखवा ली। बहुत दुख हुआ महाराज। तभी मैं क्या देखता हूँ कि भोला राम का जीव कहीं फाइलों में छिपा हुआ था। उसको देखकर मेरी आंखें चकमकाई। जानते हो महाराज क्या कहा उसने? कहता है, पहले मेरी जमीन का मसला सुलझाओ तभी तुम्हारे साथ आऊंगा, वरना यही अपना बसेरा बनाऊंगा। वीणा भी गई और भोला राम का जीव भी हाथ नहीं आया। मुझे मेरी दशा पर बहुत रोना आता है महाराज। ना जाने भ्रष्टाचार कब जाकर थमेगा। भ्रष्टाचार से युक्त समाज का यही अस्तित्व है, ना धरती अपनी है ना आसमान की प्राप्ति है। चलो एक और कारनामा दिखाता हूँ। आइए आइए, पूजा करवा कर फल पाइए। 5001 में गारंटी स्वर में सीट बुक। जीते जी सुख ना पा सके तो कम से कम मरने के बाद तो स्वर्ग पाइए। आइए। जीते जी तो सुख मिला नहीं पंडित जी, कम से कम मरने के बाद तो सुख पा जाओ। 5001 तो नहीं है, 500 में पूजा करवा दीजिए। देखो देखो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, बस 5001 में स्वर्ग का गेट खुलवा रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, ये लो रुपए, अब जल्दी से हमारी पूजा कराओ और स्वर्ग में हमारी सीट बुक कराओ। अरे अरे कैसी अंधेर करती है भाई, क्या अब ईश्वर के घर में भी पैसे की चलती है? अरे माता जी मैं आपको जीवन का सत्य सुनाता हूँ। सरक कर बरक कर इधर घर निकल जाना है, भ्रष्टाचार के आगे ही सिर झुकाना है। चलो इस सतरंगी समाज के कारनामों में एक और जोड़ देता हूँ। अरे भ्रष्टाचार है भैया, मुख्य से रेड लाइट की तरफ मोड़ देता हूँ। जाओ तुमने रेड लाइट तोड़ी है। साहब मेरी गाड़ी तो रेड लाइट से पीछे है साहब। तुम्हारा मुंह रेड लाइट से आ रहा है, ये कौन सा कानून है साहब? लाइसेंस दो। लाइसेंस तो मैं घर पे भूल। डेढ़ ढाई साहब ट्रिपलिंग हो रही है। ट्रिपलिंग, अब तो चालान दो। कौन सा चालान भाई, मुझसे ले लो सर, मैं पता है कौन है चाचा, बताएं। पीछे पीछे कौन पर बैठे? मैं बात करता हूँ समाज में। राजा का ही बोलबाला है, जैसा राजा वैसी प्रजा। समय बदल चुका है महाशय, लोकतंत्र को आधार मिल चुका है, जैसी प्रजा वैसे राजा का डंका पिट चुका है। चलो आपको आज के नेता और उनके भक्तों से मिलवाता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त समाज दूंगी, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अधिकार दूंगी, आने वाले 5 वर्षों में बदलाव की धार ले आऊंगी, समाज की गति को तेजी से बढ़ा दूंगी। अरे ओ नेता, समाज की धारा तुम बाद में बहाना, हमें पहले एक पहुए के दर्शन करवा जाना। सुना है जब इलेक्शन आते हैं तो नेता के वोट कम पैसे ज्यादा काम आते हैं। हम तो 500 रुपए के खाते वोट देने आते हैं और फिर वहीं लेके चले जाते हैं। देखा, यही विडंबना है हमारे समाज की, देश का रक्षक विपक्षक बना हुआ है। इस गड्ढे में डूबना क्या जरूरी है, इससे उभरना जरूरी नहीं? तो फिर आखिर भ्रष्टाचार क्यों है? कब हमें इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? जब 2 पैसे का लालच देकर कोई अपना काम करवाता है तो यह भ्रष्टाचार कहलाता है। आज जब कोई किसी गरीब के अधिकारों को लूटता है तो यह भ्रष्टाचार कहलाता है। जब कोई किसी की मजबूरी का कुछ चंद पैसों के लिए फायदा उठाता है तो यह भ्रष्टाचार कहलाता है। जनाब यह भ्रष्टाचार है बाहर के नहीं, परंतु हमारे भीतर ही समाया हुआ है। हर गली कूचे मोहल्ले कोने देश के कोने कोने में नजर आता है। अरे तो कोई समाधान बताओगे, कैसे भ्रष्टाचार ही गिराते जाओगे? जिस दिन हम अपने भीतर बैठे लालच रूपी रावण को जान जाएंगे, उसे हरा कर संतोष रूपी राम की विजय पताका फहराएंगे। सच कहते हैं भ्रष्टाचार का नाश हम पाएंगे।